राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर। ग्राम सभा के कौली के विद्यालय के प्रांगण में नुक्कड़ सभा के माध्यम से बहुत बड़ी सभा है। हमारे क्षेत्र के सम्मानित सांसद राजा भैया जी, विधायक श्रीमान राम प्रसाद वर्मा जी, विराजमान हमारे प्रमुख गण गणराज बुजुर्ग बहरा बजाज, हमारे अगड़िया जी गुप्ता जी, प्रसाद गुप्ता जी, भारत अरे जी, हमारे राजा भैया के प्रतिनिधि माननीय यूपी सिंह जी, अर्चना गुप्ता जी जो सामने लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं चकोली की इस पवित्र भूमि में राजा भैया सांसद को हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ समय चकोली ग्राम के लिए निकाला। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको ये तो आपको बता रहा हूँ, उसको के लिए एक दुआ है कि जाति पांच पीछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि के होई। यही सेम फार्मूला भारतीय जनता पार्टी में है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, आपको वही सम्मान मिलेगा जो मुझको मिलता है, जो राजा भैया को मिलता है, जो रमेश तिवारी को मिलता है, वही सम्मान आप सब लोगों को मिलेगा। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी आदरणीय महिलाएं। ये आधे शक्ति इन्हीं की है और यूं कहिए कि पूरी परिवार का नाम बता करके मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं जानता हूँ। तो 3 तारीख को मतदान है। मतदान का विषय कोई बड़ा नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उसको बताने की भी जरूरत नहीं। वो सब आपको दिखाई पड़ता है, आपको मिलता रहना, उसका लाभ भी और उसका प्रचार भी। सबसे पहले